जय श्री राम दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी चैनल के इस नए वीडियो में आशा करता हूँ कि आप सब लोग मजे में होंगे दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई और तालिबान के बीच के रिश्ते आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई और तालिबान के बीच काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है लेकिन हाल ही में आई के चीफ ने शनिवार को अचानक काबुल जा पहुंचे और इसी वजह से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बिरादर में अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि तालिबान की आड़ में अफगानिस्तान में अब पाकिस्तान की चलने वाली है दोस्तों और इसी बात को छिपाने के लिए पाकिस्तान की मीडिया चैनल्स और एजेंसियाँ ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस मुलाकात का मकसद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और कारोबारिक क्षेत्र में संभावनाओं को तलाशना है लेकिन सच तो दुनिया जानती ही है और अगर भारतीय कूटनीतिक विशेषज्ञों की माने तो आई के प्रमुख की यह यात्रा भारत समेत दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश है कि अफगानिस्तान में फिलहाल उसी का सिक्का चलेगा दोस्तों आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जब संकट होने की वजह से बाकी देशों के दूतावास ने अफगानिस्तान से अपने पांव खड़े कर लिए हैं वहीं पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जिसकी दूतावास अभी संकट के इस मौजूदा घड़ी में भी अफगानिस्तान में झोंके तो खड़ा है दोस्तों वैसे चीन और रूस के दूतावास भी हैं लेकिन वहां काम काज कुछ समय से स्थगी थे और इतना ही नहीं दोस्तों आपको बता दें कि जब साल 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता संभाली थी तब नमाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के पीएम है वह अपने पूरे दल बल को लेकर अफगानिस्तान जा पहुँचे थे और दूसरी ओर तालिबान के नेता में भी आपसी मतभेद चल रहे हैं फिलहाल सत्ता मिलने की स्पष्टता होते हुए भी गनी बरादर हक्कानी और मुल्ला जाकिर के समर्थकों के बीच कई मुद्दों पर कहरे मतभेद सामने आ रहे हैं तालिबान नेताओं ने शुक्रवार को बताया था कि शनिवार को हमारी तरफ से गठित होने वाले सरकार के सभी सदस्यों का नाम बता दिया जाएगा लेकिन शनिवार देर शाम तक इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है दूसरी ओर दोस्तों पंशी में पाकिस्तान तालिबान का साथ देने के लिए सेना भेजने की तैयारी में है क्योंकि पंशी में तालिबान को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है इसीलिए अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान गोपनीय तरीके से वहां अपनी सेना उतार सकता है दोस्तों इसी सब पाकिस्तान की रणनीति से अब पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ते छिपे नहीं है आज के वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए